Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials. So students, till the last class we had discussed about that how the drugs like cocaine affect our nervous system and our whole physiology. In the today's class we are going to discuss more about drugs and addiction and the other factors that affect the life of the adolescent. So drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines are used as medicines to treat the mental illness like depression and insomnia. But they are abused that result in the impairment of physical, physiological or the psychological functions. So drugs, if abused, can lead to different एडिक्शंस विच कैन हार्म अवर बॉडी, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी मेडिसिन है, कोई भी केमिकल है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी अल्टीमेटली क्या करेगी, उसका उससे नुकसान ही लेगी. नेक्स्ट वी आर हैविंग द स्मोकिंग. सो स्टूडेंट्स, टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर ओवर 400 ईयर्स. इट इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ. इट कंटेन मेनी केमिकल सब्सटेंसेस लाइक निकोटीन. Nicotine is an alkaloid which stimulates the adrenal gland to release the adrenaline or noradrenaline that causes high BP and high heart rate. So ultimately smoking hame kya karti hai, bahut zyada nuksan kar rahi hai. Smoking causes cancers of the lung, the urinary bladder and throat. Emphysema, bronchitis, coronary heart disease, gastric ulcers, etc. Tobacco chewing causes the oral cancer. Smoking increases the carbon monoxide content in the blood and reduces oxyhemoglobin. This causes the oxygen deficiency in the body. This causes the further oxygen deficiency in the body. So smoking is harmful to us in this way. Next, we are having adolescent and drug abuse. जो स्टूडेंट्स एडोलिसेंट्स हैं, लाइक द पीपल ऑफ योर एज, दे आर वेरी वेरी प्रोन टू द ड्रग एडिक्शन एंड अदर डिसीजेस, बिकॉज दैट इज अ पीरियड इन विच अगर कोई किसी को कुछ बोलता है तो वो सोचता है कि ये मुझे डीमोटिवेट कर रहा है. या जो पर्सन, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इस एज में आके वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है टू द नेगेटिव थॉट्स. तो हम नेगेटिव क्या कर सकते हैं, वी फेस द नेगेटिव एंड मेंटल इलनेस अलॉट इन दिस एज. सो एडोलेसेंट इज अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मेच्योर इन द टर्म्स ऑफ हिज हर एटीट्यूड, बिलीव्स एंड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी. So what is adolescence? Adolescence is a bridge that links the childhood and the adulthood, that is period of 12 to 18 years of age. तो हमें पता है कि 18 years के एज का कोई पर्सन है, that is considered as an adult. And before that, 12 years से बाद में कोई भी एक पर्सन है, that is considered a child. तो एक चाइल्ड होता है एंड एक एडल्ट होता है. सो व्हाट इज अ एडोलेसेंट? एडोलेसेंट इज द लिंकिंग एज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड. इट इज वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. सो यहाँ पे हमारी मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती है, बहुत ज्यादा प्रोन टू डिसीजेस होती है. मतलब कि इसको कोई भी मिसगाइड बहुत आसानी से कर सकता है. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल यूज इन एडोलेसेंस? दीज आर क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट टू एस्केप द फेसिंग प्रॉब्लम्स, द स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन द एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, टेलीविजन, मूवीज, न्यूज पेपर, इंटरनेट एक्सेट्रा. Sometimes तो पर्सन एक्सपेरिमेंट करना चाहता होता है कोई, कि हाँ हमें ये करना चाहिए. ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग के केस में, अल्कोहल के केस में मेजर ऐसा ही होता है कि लोग कहते हैं कि हमें ड्रिंक करके देखना है. तो बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि यस, यहाँ पे अगर हम ड्रिंक करके देखेंगे तो इट इज अ गुड एडवेंचर, एक्साइटमेंट होगा, मजा आएगा, ये वो. तो कई बार क्या होता है, फिर धीरे धीरे किसी को, पर्सन को आदत पड़ जाती है इसकी, एंड वो स्ट्रेस को फेस करने की बजाय क्या करने लग जाता है, ये गलत तरीकों का तरीका ऑप्ट करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, फर्दर नुकसान होता है.
So then we are having addiction, a psychological attachment, that is euphoria and a temporary feeling of well-being to drugs and alcohol. जब भी हम ड्रग्स लेते हैं तो अच्छा फील होता है, अगर कोई ड्रग्स से दूर भेजता है तो हमें नुकसान होता है. सो दीज थिंग्स आर एडिक्शन. विद द रिपीटेड यूज ऑफ द ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर इंक्रीजेस, थस द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेस लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन. तो एडिक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जब बेफालतू ड्रग्स का इनटेक हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. Dependence, the tendency of the body to manifest a character and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs is abruptly discontinued. Students, अगर कोई नशेड़ी नशा कर रहा है तो उससे हम खींच रहे हैं नशे को, दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं. So this is the dependence. उसके अंदर क्या आएंगे? Syndrome आना शुरू होंगे. वो syndrome क्या करेंगे? उसको नुकसान पहुंचाएंगे. This results in anxiety, sickness, nausea and sweating and sometimes even death. तो ये क्या होते हैं? Dependence होते हैं. Dependent leads to social adjustment and problems and वो जो drug abuse करने वाला इंसान है वो drug के बिना नहीं रह सकता. Now what are the harmful effects of the drug abuse? The reckless behavior, vandalism and violence. Coma and death due to respiratory failure, heart failure or cerebral hemorrhage. Drugs mixed with alcohol may cause death. Damage of the nervous system and liver, cirrhosis, mental and social distress to a family and friends. Then social problems like stealing and spread of infectious diseases like hepatitis B. तो नशे करेंगे, drugs abuse होगा, तो कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट रहेगा ही रहेगा. विच कॉजेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट टू द पर्सन. यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन कैन इफेक्ट द फीटस, दैट इज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम और FAS. फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के अंदर जो बच्चा है वो कैसा पैदा होता है? डिफॉर्म्ड पैदा होता है एक टाइप का. क्यों? क्योंकि अल्कोहल क्या कर रही होती है? उसके फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को खराब कर रही होती है. लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्मिया, द स्पर्म्स आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू प्रोड्यूस अ बेबी. देन मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट्स कैन लीड टू फर्दर साइड इफेक्ट. ये क्यों करते हैं एथलीट्स जो होते हैं, ये ड्रग अब्यूज क्यों करते हैं? Narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics and certain hormones to increase the muscle strength and bulk to promote the aggressiveness. अपनी activity, अपनी performance को increase करने के लिए वो drugs का use करते हैं, जिससे क्या होता है? Ultimately उनके body को नुकसान होता है. So warning signs of drug abuse in the adolescent period are drop in the academic performance or absence in the school, lack of interest in the personal hygiene, withdrawal and isolation, depression, fatigue, aggressiveness and rebellious behavior. ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती हैं कि एक बच्चा ड्रग्स वाली साइड पे चला गया है, उसको पीछे लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चेंज इन द स्लीपिंग एंड द ईटिंग हैबिट्स, वेट का बढ़ना या कम होना, एपेटाइट का बढ़ना या कम होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, डिटोरेशन रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स. वो पर्सन क्या करता है? फैमिली के साथ झगड़े करता है, फ्रेंड्स के साथ भी झगड़े करना शुरू कर देता है. साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज, एक्ने, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, रिड्यूस टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्री मेच्योर बाल्डनेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड कैन इवन लीड टू द प्रोस्टेट कैंसर. साइड इफेक्ट ऑफ anabolic steroid abuse in females, masculization, increased aggressiveness, mood swings, excessive hair on face and body, abnormal menstrual cycle, deepening of the voice, enlargement of the clitoris. So ye sare nuksan hain jo male aur female ke andar hote hain. Severe facial and body acne.
So students, severe facial and body acne, premature closure of growth centers of long bones resulting in the stunted growth. ग्रोथ जो है एक बच्चे की, अगर वो डेवलपिंग एज के अंदर ड्रग्स ले रहा है तो उसके ग्रोथ पे भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइड द पीयर प्रेशर. अगर कोई दोस्त बोल रहा है ड्रग्स लेने को तो ड्रग्स नहीं लेने हैं. एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को ये बताने के लिए कि ड्रग्स नुकसानदायक है. पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स दोनों हेल्प करें बच्चे की उसको ड्रग्स से दूर लेके जाने के लिए. डेंजर साइंस मिलने चाहिए बच्चों को जिससे उनको पता चले कि दिस इज ड्रग, इससे हमें दूर रहना है. देन मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहिए. विद दिस स्टूडेंट्स वी आर going to end this topic today. हमारा एक chapter complete हो चुका है and that is human health and diseases. So let us see you. Let me see you in the next video. That is microbes in the human welfare. तो next chapter हमारा ये वाला होने वाला है. Till then thank you and have a nice day.